और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होगा ना, वो शायद स्कूल का जो बिल्डिंग बन रहे हैं अभी छत ढलाई हो चुके हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, बिल्डिंग की हो या रोड कंस्ट्रक्शन के काम हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, काम में कोई खराबी ना हो। हर कोई ये आवाज़ उठाता है कि भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, करप्शन है, करप्शन है, तो इन सब चीज़ों से कैसे रुकना है, करप्शन को कैसे चेक किया जाना चाहिए, ये आज आपको हम अपने और से जो भी जानकारी है हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हुआ तावांग वंगजन और वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग के हो, चाहे कॉलेज बिल्डिंग के हो, चाहे टीचर क्वार्टर के हो, चाहे आंगनबाड़ी बिल्डिंग के हो, कंस्ट्रक्शन के काम जब चलते हैं, क्योंकि हर कोई कहते हैं, हर कोई चाहता है कि कोई भी काम अच्छा से हो, क्वालिटी वर्क हो, उसे चेक करना है, चेक करना है, स्टूडेंट यूनियन चेक करना है, पब्लिक चेक करना है, पंचायत चेक करना है, बोलता है ना, चेक कैसे किया जाना चाहिए, चेक कैसे किया जा सकता है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ जाकर आप कैसे चेक करना है कि काम क्वालिटी वर्क हो रहा है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जा सकता है, ये थोड़ा मैं आपको हम आज बताएंगे, जो भी मेरे अंदर नॉलेज है हम आज हम बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप वर्क साइट पे जाइए जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा हो, उसका आप पूरा ये बिल्डिंग की फॉर्मेट, जो भी स्टीमेट है, जो भी ड्राइंग दिया हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, यानी कि DPR, डिटेल्स प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स, उसको जानकारी लेना ज़रूरी है कि वो बिल्डिंग कितने की है, कितना साइज की है, कितना फीट की है, कौन से साइज की है, कितने स्टोरेज की है, क्या बनने जा रहा है, कौन से टाइप की है, ये आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। उन पर आप चेक कीजिए कि DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स देखना ज़रूरी है, उसको आप हासिल कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर पे है आपको, जब फाउंडेशन खोदते हैं, फाउंडेशन चाहे पोस्ट गाड़ने के लिए हो, सबसे पहले तो फाउंडेशन की खुदाई करते हैं। हमारे यहाँ तो पहाड़ी इलाका है, क्योंकि पहाड़ में खोदते हैं तो पूरा ओरिजिनल मिट्टी होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप इस पहाड़ से खुदाई करके इसमें मिट्टी फिलिंग कर दिया, यहाँ पे नहीं बनना है, यहाँ फिलिंग मिट्टी पे नहीं बनना है, ओरिजिनल ज़मीन पे बनना है। जहाँ से मिट्टी काटेंगे वहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक स्कूल बिल्डिंग बनेंगे वहाँ तक कि ओरिजिनल ज़मीन होना है, फिलिंग ज़मीन पे, फिलिंग मिट्टी पे नहीं बनेगा कोई भी बिल्डिंग, चाहे आंगनबाड़ी कैंप हो, चाहे बड़े से स्कूल बिल्डिंग हो, चाहे मिनी सेक्रेटरीट हो, चाहे DC ऑफिस हो, फिलिंग मिट्टी पे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मिट्टी को डेवलप करते हैं लोग, जो उसका, हमारा तो यहाँ पहाड़ी इलाके है तो ओरिजिनल मिट्टी होना पड़ेगा, उसके ऊपर ही बनना पड़ेगा। इसके बाद फाउंडेशन जब खोदाई करती है, कोई कोई JCB लगवाती है काम जल्दी होने के लिए, और कोई कोई लेबर मिस्त्री लगाती है, आदमी खुद खुदाई करती है वो परफेक्ट होती है। जब खुद आदमी खुदाई करेंगे तो एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज पे वो खुदाई करेंगे, लेकिन हाँ JCB अगर आप लगाएंगे तो उसको फिर से दोबारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो उसको देखना है कि वो जहाँ खुदाई किए हैं पोस्ट गाड़ने के लिए, वहाँ पे सबसे पहले तो आपका PCC होता है। हाँ, सबसे पहले फाउंडेशन जहाँ खुदाई किया है वहाँ में PCC करना होगा। PCC यानी कि प्लेन कंक्रीट सीमेंट, उसको कोई कोई ऐसा ऐसा करता है कि PCC किए बिना ही डायरेक्ट पोस्ट खड़ा कर देता है, ऐसे में आपका घर कभी भी वो बिल्डिंग दब सकता है, जब कोई भूमिकंप होगा या कोई भी हालत में वो घर गिर जा सकती है, तो PCC तगड़ा होनी जरूरी है। तो आपको ये देखना है कि PCC किया है कि नहीं, और PCC अगर किया भी है तो कितने साइज की है वो देखना है। आप PCC का एटलीस्ट 15 इंच ग्रेड का होनी है, और कम से कम
चार पांच दिन गैप करना है, इसके बाद ही वहाँ पे फिर से आपको सतरिंग लगाएंगे, पोस्ट सरिया बांधेंगे, फिर पोस्ट खड़ा करने के लिए सबसे पहले तो आपको वहाँ सतरिंग लगाएंगे, फिर रोड बांधेंगे, फिर सरिया बांधेंगे, फिर कंक्रीट डालेंगे। तो उस पर भी देखना है कि कंक्रीट में कोई गंदगी ना हो। जब हम लोग कंक्रीट लेते हैं तो एटलीस्ट जो बाली होते हैं ना, बाली भी हमारे यहाँ तो सिर्फ जयपुर बाली लिया जाता है, जयपुर बाली सबसे बेस्ट ऐसा माना जाता है। ऐसे नहीं कि कहाँ से जहाँ तहाँ से बाली लेके बनाएगा, तीसा से, तेसिंग से, तवाई से, ऐसा नहीं होगा। जयपुर बाली हम लोग का यहाँ में अभी तक तो बेस्ट है, जयपुर बाली क्वालिटी बहुत अच्छा है, उस तरह की सेंट हमको आपको लेना होगा। और भी साफ सुथरे पूरे झलने से झलने के बाद लेना होगा उसको अभी। और कंक्रीट में पूरा गंदगी नहीं होना है, कोई जबरा नहीं होना है, पूरा साफ होना होगा। जो गिट्टी होता है ना, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ढलाई करने के लिए जो हम लोग लेते हैं पोस खड़ा करने के लिए, वो पत्थर जो है छोटे छोटे पत्थर गिट्टी बोलते हैं ना कंक्रीट, वो जो है पूरा साफ क्लीन होना पड़ेगा। तो ये सब देखना ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट यूनियन या फिर कोई भी पंचायत अगर जाते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और जब रोड बनेंगे, जो पोस्ट खड़ा करने के लिए रोड साइज की दे रहे हैं कि नहीं, डीपीआर का अनुसार जो दिया गया है डायग्राम के अनुसार साइज है कि नहीं, रोड साइज कोई कोई 12 इंच की जगह 15 इंच दे देते हैं, कोई 15 इंच की जगह कोई कोई 10 इंच दे देते हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना है। और वो जो गैप जो है, कोई कोई 5 इंच की जगह 8 इंच में बांध देते हैं, कोई कोई 8 इंच की जगह 12 इंच में बांध देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना है। ऐसे छोटे छोटे काम में भ्रष्टाचार होने के कारण बिल्डिंग जो है जल्दी खराब होता है। तो इन सब को देखना है। सरिया जब बांधते हैं तो चारों कोने में बांधना होगा, कोई कोई एक एक लाइन गैप करके भी बांधता है, ऐसा भी नहीं होगा, सब कोने पे बांधना है, एवरी रोड पॉइंट पे बांधना है। और 5 इंच के साइज है तो 5 इंच भी बांधना पड़ेगा, ना कि 8 में, 8 इंच की जगह है तो 8 इंच में ही बांधना होगा, ना कि 12 पे। तो इन सब चीज़ों को पूरा ध्यान देना है। इन सब चीज़ का आपको जानकारी नहीं होगा तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट जाकर फायदा नहीं है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। आप कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्या चीज़ चेक करेंगे, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। साथ साथ उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में वो लोग पानी कहाँ से यूज़ हो रहा है, पानी कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ को भी ध्यान रखना है। कोई नाले से ले रहे हैं, कोई नदी से ले रहे हैं, कोई सेंटेक्स से ला कर ले रहे हैं, या फिर कोई बरसात के पानी मिट्टी खोद के वहाँ से कुआं का पानी ले रहा है। अगर कोई मिट्टी खोद के बरसात के पानी अगर ले रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट वो तिरपाल बिछा लेना है, क्लीन वाटर होना है, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई कोई ऐसा लेता है कि बरसात का पानी जमा करके उसी से मिट्टी के साथ घोल गए वाला, ऑलरेडी मिट्टी के साथ घोल गए वाला जो अनुजान फौती बोलता है उसको लेता है। अगर वो लेंगे तो आपका बिल्डिंग पूरा गिर जाएगा। पानी तक क्लीन होना है। बारिश का पानी जो जमीन पे आप कुआं खोद के मिट्टी खोद के जब जमा करके वो लेते हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। अगर मिट्टी खोद के आप बारिश का पानी जमा भी करते हैं, या तो आप सेंटेक्स पे कीजिए, या तो फिर आप मिट्टी खोद के प्लास्टिक बिछाइए, उस पर भी ध्यान रखना है। हमारे यहाँ तो वैसे भी पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पानी को कहाँ से इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब पोस ढलाई होती है या छत ढलाई होती है, उस वक्त ढलाई करते वक्त वाइब्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम लोग सरिया से मार मार के मिलाते हैं ना, वो सिर्फ नहीं होगा, बड़े से बिल्डिंग जबकि आप बना रहे हैं तो आपका वाइब्रेशन मशीन होना पड़ेगा, जो कि कारेंट लगा कर वाइब्रेट करते हैं ताकि अच्छा से वो मसाला जो है गोल मिल जाए, एक दूसरे को अच्छे से पकड़े, इसलिए वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। बिना वाइब्रेशन का आप ढलाई कर रहे हैं पोस्ट या छत, तो उनको तुरंत रोकिए,
ऐसा कभी काम नहीं होगा, बिना वाइब्रेशन का कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी छत ढलाई नहीं होगा, कोई भी पोर्च ढलाई नहीं होगा बिना वाइब्रेशन का। और इसके बाद जब हम लोग मिट्टी जब हम लोग डेवलप करते हैं, फीलिंग करते हैं, जमीन ग्राउंड फ्लोर जब हम लोग फीलिंग करते हैं, उस वक्त एक्चुअली जहाँ से हमने खोद के मिट्टी को निकला है उसको यूज़ नहीं करता है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे जगह से मिट्टी लाकर वहाँ फीलिंग करना है। नहीं तो उसी से निकले हुए मिट्टी को फिर से वहीं दबाएंगे, वहीं पे लेंगे, तो अच्छा से कॉम्पेक्शन नहीं होता है, एक दूसरा को जमीन मिट्टी नहीं पकड़ते हैं, जिसका वजह से क्या होता है बाद में आपका जल्दी दब जाएगा, जल्दी आपका प्लास्टर निकल जाएगा, घर इधर उधर क्रैक हो जाएगा। इसीलिए मिट्टी अलग जगह से लाना ही है, उसी से नहीं होना है, उसी जगह से मिट्टी नहीं लेना है, अलग जगह से मिट्टी लेना है। जब ग्राउंड फ्लोर आप फीलिंग करते हैं तब, और फीलिंग करते वक्त आपको चाहे एक फुट की हो चाहे चार फुट की हो, अलग अलग लेयर, एक एक लेयर में आपको वाइब्रेशन देना जरूरी है, ताकि मिट्टी जो है एक दूसरे के साथ अच्छा से चिपके, अच्छा से पकड़े। फर्स्ट लेयर आप मिट्टी फीलिंग करेंगे, पहले तो 4 इंच का आप फीलिंग करेंगे या 6 फुट की, 6 इंच की या 4 इंच की आप जब मिट्टी फीलिंग करेंगे पहले एक लेयर, इसके बाद वाइब्रेशन देना है। और बड़े से बड़े बिल्डिंग बना रहे हों तो आपका वाइब्रेटर भी होना जरूरी है, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर जब फिलिंग कर रहे हैं ना उस वक्त वाइब्रेशन मशीन होना ही जरूरी है, बिना वाइब्रेशन मशीन का आपका ग्राउंड फ्लोर आपका कॉम्पेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे से आप नहीं चिपकेंगे मिट्टी, कॉम्पेक्शन नहीं होगा तो बाद में यह बहुत जल्दी आपका ग्राउंड फ्लोर जो है इसलिए खराब होता है। तो इन पर भी चेक करना है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई छोटा मोटा बिल्डिंग हो गया तो उसमें तो कोई नहीं, छोटा जगह है, थोड़ा हम लोग धमुज बोलते हैं ना उसको बना कर भी मारता है, लेकिन बड़ा से बड़ा बिल्डिंग जब बना रहा होगा, जैसे स्कूल बिल्डिंग हो गया, जैसे हॉस्टल हो गया, उन सब जगहों पर ये वाइब्रेटर होना जरूरी है। जो जमीन को टाइट करते हैं ना रोलर की तरह वाइब्रेट मारते हुए इसको टाइट करते हैं जमीन को, मिट्टी को। इसके बाद जब हम लोग ईंट गाते हैं जब बाल उठाते हैं तो ब्रिक्स जो है क्वालिटी ब्रिक्स होना पड़ेगा, ईटा हम लोग ईटा बोलते हैं ना, क्वालिटी ईटा है कि नहीं, अच्छा क्वालिटी है कि नहीं, उन पर ध्यान देना होगा। कोई कोई सस्ता वाला ईटा बना देता है, सस्ता वाले से नहीं होगा, बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बना रहा होगा तो क्वालिटी वाला ब्रिक्स होना ही है, चाहे छोटा आंगनबाड़ी कैंप ही क्यों ना हो, चाहे टीचर क्वार्टर ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा से बड़ा मिनी सेक्रेटरी ही क्यों नहीं बना हो, चाहे कम्युनिटी हॉल ही क्यों ना बना हो, चाहे बड़ा से बड़ा स्कूल हॉस्टल बिल्डिंग क्यों ना बना हो, आपको ब्रिक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छा क्वालिटी लेना होगा। और उसमें देखना होगा जब ईंट गाड़ते हैं ना हम लोग, तब उसको गैप कितना में दे रहा है और कितना मसाले ढाल के वो ब्रिक्स को गाट रहा है उसको भी देखना होगा। पल्ला सा 1 इंच मसाला ढाल के उसमें ईंट गाटेगा तो फिर मुश्किल है, ईंट एक दूसरे से अच्छा से चिपकना होगा। इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है कि ईंट गाटते वक्त कितना मसाला दिया गया है, वहां पे कितना गैप दिया हुआ है उसको भी देखना है, और ईंट क्वालिटी को स्पेशली चेक करना है। ईंट यानी कि ब्रिक्स को बोल रहा हूँ, ईटा को ईटे। और जब हम लोग खिड़की की फ्रेम बनाती हैं, दरवाजा की फ्रेम लगवाती है, वो काठ आजकल तो ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी का काठ मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है, और कोई कोई पैसा और जो ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी के जो काठ होते हैं उसका बहुत दाम है, तो कोई कोई कॉन्ट्रेक्टर ऐसा होता है कि वो अपने जेब के पैसा बचाने के चक्कर में अच्छा क्वालिटी का वो नहीं लेता है, अच्छा क्वालिटी का काट नहीं लेता है, खिड़की फ्रेम के लिए हो चाहे दरवाजा के फ्रेम के लिए हो, वो अच्छा क्वालिटी का काट लेना होगा। उसको भी चेक करना है कि कौन सी पैर की है, ये कौन सी क्वालिटी की काट दे रहे हैं, उसको भी देखना होगा। और जब फाउंडेशन बना लिया, पोस्ट खड़ा कर लिया, छत डलाई हो गया, जब हम बिल्डिंग की प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर फिनिशिंग
करने के लिए जब प्लास्टर करते हैं उस वक्त आप देखिए कि बाली कौन सी क्वालिटी की है, यानी कि सैंड अच्छा बाली होना होगा, वहाँ पे सीमेंट कौन सा लगाया जा रहा है उसको देखिए, अच्छा क्वालिटी के सीमेंट है कि नहीं, और बाली को पूरा झाड़ के लेना होगा, झालनी से झाड़ कर लेना होगा। जब प्लास्टर करने के लिए अच्छा बाली होना होगा, यानी कि सैंड क्वालिटी सैंड होना होगा, अच्छा बाली, और उसको फिल्टर करना होगा, झालनी में झालना होगा। इसके बाद सीमेंट को देखिए, एक्चुअली आप सीमेंट कौन से क्वालिटी है उसको चेक कीजिए, और कितना मात्रा में मिलाया जा रहा है उसको भी देखना है। कोई कोई सीमेंट दामी वाला क्वालिटी वाला सीमेंट तो ले लेगा, लेकिन बहुत मात्रा में कम मात्रा लगाते हैं, जिसके कारण प्लास्टर जो है जल्दी निकल जाता है, तो उसको भी चेक करना है। लास्टली आपको रंग पेंट, रंग कोई कोई जो है चूना मार देता है, जैसे हाथ लगेगा हाथ में लग जाती है, तो इस तरह का नहीं होना है। क्वालिटी का पेंट करना होगा आपको, कलर पेंट, क्वालिटी कलर पेंट करना होगा, उसको भी चेक कीजिए। जैसे कि क्वालिटी रंग कलर पेंट का 1500 1100 पर ये 5 लीटर का 1200 से 1500 शायद लेता है, तो कोई कोई वो क्वालिटी वाला कलर पेंट नहीं लेके एक बस्ता रंग ले लेता है, ये चूना, एक बस्ता चूना 50 रुपये का 300 रुपये का ये चूना लेके मार देता है। ऐसा इन सब पर ध्यान रखना है कि रंग कौन सा क्वालिटी का लिया हुआ है, कौन सा कलर मार रहा है, कौन सी क्वालिटी के है, वो सब चेक करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाने के चक्कर में वो एक बस्ता चूना लेके मार देता है, बस फिनिशिंग कर देता है। तो ऐसा में बिल्कुल भी काम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कोई भी बिल्डिंग बन रहा हो, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, काम क्वालिटी काम करना होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो हर कोई कहते हैं कि काम चेक करना है, कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर देखना है कि काम कैसा हो रहा है, तो देखेंगे कैसे, हर कोई तो नहीं जानता होगा ना। इसीलिए मेरे जो भी जानकारी है मैंने ये बताया है कि कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कर सकता है, तो ये सब सारे है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बचाव करने के लिए वो लोग ये सब इन सब चीज़ों में वो लोग नकली फोकली वाला लगा रहता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट यूनियन जाओ, चाहे कोई भी पंचायत लीडर जाओ, चाहे कोई भी वहाँ अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं चेक करने के लिए, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है, चेक करना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, मानता हूँ मैंने डिग्री नहीं लिया सिविल इंजीनियर पे, लेकिन मेरा जो जानकारी है मैंने बता दिया, और मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस भी है, मैंने कर चुका हूँ। सिर्फ मेरा डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों पे मैंने अच्छा मेरा खुद प्रैक्टिकली मैंने कर चुका हूँ, तो मेरा जानकारी है कि कहाँ क्या होना है, क्या कहाँ क्या नहीं होना है। ये मेरा अच्छा जानकारी है जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ कहाँ लोग कमियाँ निकलती हैं, इन सब चीज़ों पर देखना है, ताकि क्वालिटी वर्क हो, अच्छा काम हो। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो कभी भी बिल्डिंग खराब नहीं होगा, और जो भी काम होता है ना फिनिशिंग अच्छा होना है, जो भी काम करो आप फिनिशिंग अच्छा होना है। तो ये था आज के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप कौन सा पॉइंट पे देखना है, कौन कौन सा चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बताया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होगा ना, वो साइट पे जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर या कंपनी मालिक कोई तो नहीं होगा, वहाँ मौजूद नहीं होंगे, कभी कभार आते होंगे, लेकिन हाँ कंटिन्यू वहाँ पे एक सुपरवाइजर होना जरूरी है, हेड मिस्त्री होना जरूरी है। और हाँ, ये पता लगाइए कि वहाँ पे डिपार्टमेंट के जय या आई कभी कभी विजिट करता है या नहीं, कब कब विजिट करता है, इन पर ध्यान रखिए, ये पूछताछ कीजिए। और बिना सुपरवाइजर का कभी काम ही नहीं हो सकता है, अगर बिना सुपरवाइजर का काम हो रहा है, बिना मिस्त्री का हेड मिस्त्री का काम हो रहा है, बिना इंजीनियर का काम हो रहा है, तो तुरंत रुकवा दीजिए।
नेक्स्ट हम बताएंगे कभी दिन के रोड कंस्ट्रक्शन में आपको कैसे कैसे चेक करना है, यह भी हम नेक्स्ट वीडियो पर लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।